ये लाल बटन दबाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी जरूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskitchen.com से। तो चलिए आज हम बनाते हैं तंदूरी मच्छी। वैसे मैंने यहाँ पापलेट मच्छी ली है, ये 500 ग्राम है, लेकिन आप 500 से 600 ग्राम तक ले सकते हो और आप कोई भी तरीके की मच्छी इस्तेमाल कर सकते हो ये रेसिपी के अंदर। इस मच्छी को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया, साफ़ कर लिया, साइड वाइड के सब निकाल दिए, पीछे की पूछ निकाल दी, अंदर से पूरा गंदगी सारी निकाल ली, बहुत अच्छे से साफ़ करी हुई, और आप देख सकते हैं कि मैंने स्लिट्स भी बहुत अच्छे से मारी हुई है। अच्छा, अब मैं डाल देती हूँ, आगे पीछे स्लिट्स मारी हुई है, अब मैं डाल देती हूँ नमक, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर सब जगह पर नमक लगाइए, ये जो स्लिट्स है उसमें भी अंदर तक लगाइए, और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए। आप चाहें तो ढक कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलिए अब हम तंदूरी मैरिनेशन बना लेते हैं। एक प्याले के अंदर 1/4 कप दही डाल दीजिए। मैंने दही को कुछ देर पहले छन्नी में रख दिया था सो दैट बहुत अच्छी गाढ़ी दही मिले मुझे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून जितना तंदूरी मसाला, 1/4 टीस्पून गर्म मसाले का पाउडर, वैसे आप घर का भी डाल सकते हैं, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन। डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। मिक्स हो जाए तो साइड पर रख दीजिए। अच्छा, आप चाहें तो 1/4 टीस्पून जितना रेड कलर भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा डाला है, रेस्टोरेंट्स में डालते हैं, अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मत डालिएगा। चलिए आधा घंटा हो चुका है और मैंने मच्छी को निकाल लिया, इसे बहुत अच्छे से पानी से फिर से धो लिया, क्योंकि नमक लगा हुआ था तो वो सारा नमक उतना नहीं रख सकते, इसे बहुत अच्छे से मैंने पानी से धो लिया। अब ये तंदूरी मैरिनेशन को आप बहुत अच्छे से, ये जो मच्छी है इस पर कोट कीजिए बहुत अच्छे से, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर भी मच्छी के, और जो स्लिट्स हैं आगे की स्लिट्स पीछे की स्लिट्स, बहुत अच्छे से सारी जगह पर ये मसाला लगा दीजिए, और इसे दूसरे वाले को भी इसी तरीके से प्रॉपरली इवनली कोट कर दीजिए मसाले के अंदर। साइड बाय साइड मैंने एक कोयला गरम पे रखा था, इसके अंदर बाटी एक स्टील की रख दीजिए या फॉइल पेपर रख दीजिए, कोयला गरम गरम डाल दीजिए, उसके ऊपर घी या तेल या मस्का डाल दीजिए, बहुत अच्छे से क्विकली बंद कर दीजिए, ढक दीजिए इसे ढक्कन से, और ऊपर वजन रख कर इसे साइड पर रख दीजिए, तकरीबन 1/2-1 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए। 1 घंटे के बाद ढक्कन खोल लीजिए, कोयले को फेंक दीजिए, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, आप चाहें तो ये कोयले वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ सो दैट मैं कन्वीनियंट रहूँ इसे मसाले के साथ अंदर डालने में, फ्राई करने के लिए। चलिए अब मैंने फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख दिया है, उसका चूल्हा चालू कर दिया है, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए इसके अंदर, तेल अच्छा गरम हो जाए तो ये जो मच्छी हमने साइड पर रखी है इसे बहुत अच्छे से मसाले के साथ पूरा डाल दीजिए, सिंगल फिश को डालिएगा। आप चाहें तो मेरी तरह थोड़ा सा मसाले को अपने हाथ से या चम्मच या स्पैचुला की मदद से उसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से, और मच्छी को पकने दीजिए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। आँच को अभी आप मीडियम आँच कर दीजिए, जब आपको लगे कि थोड़ी बहुत पक गई और पीछे अब थोड़ी सी लाल होने जा रही है तो आप पलट दीजिए इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और पीछे की साइड भी आप समझिए ना 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए मीडियम आँच पर। कुछ मिनट बाद जब आपको ऐसा लगे कि पीछे का साइड भी थोड़ा सा लाल हो रहा है तो फिर से पलट दीजिए इसे, 2-3 मिनट मीडियम आंच पर फिर से पकने दीजिए, जब आपको लगे कि फिर से पीछे का साइड पक गया है तो फिर से पलट दीजिए। अच्छा, अब बाय द टाइम आप एक टेस्ट कर लीजिए छुरी का, अगर छुरी बहुत अच्छे से ईजिली चली जाए इसका मतलब आपकी मच्छी हो चुकी है, तो आप ये मच्छी को निकाल लीजिए। मैं आपको 2 वेज बता रही हूँ, सबसे पहला वे ये है कि आप मच्छी को आगे पीछे जब आप पलटते तो ज़्यादा लाल मत होने दीजिएगा, जब पूरी तरीके से पक जाए तो निकाल लीजिए, फ्राई पैन हटा दीजिए, यहाँ ग्रिलिंग प्लेट रखकर मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे की, और मच्छी के ऊपर थोड़ा सा मस्का लगा दीजिए और उसे ये प्लेट के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से रख दीजिए, कुछ सेकेंड्स के बाद इसे पलट दीजिए, बहुत ही केयरफुली पलटिएगा क्योंकि टूटने का डर रहेगा,
अब बहुत अच्छे से ज़रा संभाल के इस तरीके से पलट दीजिए और पीछे की साइड भी बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाए और डार्क स्पॉट्स आ जाए दोनों साइड से, तो इसे निकाल कर सर्व कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रिल स्पॉट्स आ गए हैं। आप इस साइड पर भी बटर लगा सकते हैं या फिर जो तेल जिसमें हमने फ्राई किया था वो भी लगा सकते हैं। चलिए, ये मेरी बहुत अच्छे से दोनों जगह से डार्क स्पॉट्स आ गए हैं तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये पहला तरीका था जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरा मेथड बताती हूँ आपको। मेरी दूसरी मच्छी के अंदर मैंने तेल गरम कर लिया, मच्छी को भी डाल दिया मसाले के साथ बहुत अच्छे से, और जब फ्राई हो गया थोड़ी मिनट्स के बाद मैंने इसे पलट दिया। कुछ मिनट के पकाने के बाद मैंने फिर से पलट दिया इसे और इसी तरीके से इसे पकने दिया तेल के अंदर। आप देख सकते हैं इस बार मैं थोड़े से डार्क स्पॉट्स ला रही हूँ क्योंकि मैं अब डायरेक्ट ग्रिलिंग प्लेट पे ग्रिल नहीं करूँगी और अब फ्राई पैन के अंदर ही हम ग्रिल करेंगे इसे। वो डार्क स्पॉट्स हमें यहीं फ्राई पैन के अंदर लाने हैं, तो इसे आप मीडियम आँच पर बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए, दोनों बाजू से उलट पलट करते जाइए जब तक के बहुत अच्छे गहरे स्पॉट्स ना आ जाए दोनों जगह से और मच्छी पूरी तरीके से पक नहीं जाती तब तक के लिए। चलिए, मेरी मच्छी हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने ये टेस्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे थोड़ी देर ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ सो दैट आगे पीछे ऊपर नीचे साइड से इस तरीके से इसे ये जो तेल है इसमें अच्छे से फ्राई कीजिए और डार्क स्पॉट्स आने दीजिए। मीडियम आँच ही रखिएगा, जब डार्क स्पॉट्स सब जगह से आ जाए आगे पीछे ऊपर नीचे साइड से तो फिर इसे निकाल कर सर्व कर दीजिए। तो ये हैं दो तरीके से मैंने आपको तंदूरी मच्छी बताई है। आप दोनों में से कोई भी वे से बना सकते हो जो आपको इजी लगता है। आप चाहें तो डायरेक्टली कोयले पे भी बना सकते हैं। जब आप मैरिनेट कर लेते हैं, कोयला गरम कर लीजिए, कोयले के ऊपर ये मैरिनेटेड मच्छी डाल दीजिए, आगे पीछे पलटते रहिए, भूनते रहिए, जब हो जाए मच्छी तो निकाल लीजिए। अगर आप कोयले पे भूनना चाहते हो तो वो जो टांडे वाला स्टेप है वो मत डालिएगा और भुना हुआ बेसन एक के बजाय 1.5 टेबल स्पून डालिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।